नहीं तो गाइस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लोग ना चार पांच लोग चैनल का नाम पूछ चुके हैं, तो आधे लोग तो जय भाई करते हैं। रूबी पांडे को पूछते नहीं भाई, मैं अपना जबरदस्ती नाम बताती हूँ, सर्च करो रूबी पांडे, रूबी पांडे। हम नहीं बता रहे भाई किसी को, ठीक है। पॉइंट है कि जो हमें सैलरी देता है हम उसकी बात करें, पर गलत बात है। लेकिन भाई पेज मेरा है, अगली बार से मैं ही सैलरी देने बोलूंगा, जय को बोल दूंगा। ठीक है तो बोलेंगे रूबी पांडे जिंदा होगा, ठीक है। और वो पता है महक को सब लोग कह रहे हैं कि इनको तो हमने देखा भैया, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मैम, एक सेल्फी। हाँ तो वो कह रहे हैं सेल्फी लेने के लिए। भाई क्या मतलब, इतनी बेकार है, बल इतने बेकार समझ ही नहीं आता कि भाई महक की वैल्यू, भाई वो इतना फेमस होगी आज तो महक के साथ में 100 फोटोज लेकर पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐसा लग रहा है, या फेसबुक पे मैं पोस्ट करूंगी, ठीक है, ताकि भाई मैं भी फेमस हो जाऊँ उसके साथ साथ, है ना। अब फोटो लूंगी। तो एक शूट हमारा डन हो गया है, सेकंड शूट के लिए हम अभी देखते हैं क्या करना है, घर जाना है या नहीं जाना, और मैं जय को फोन करके पूछ लेती हूँ कि उनका क्या शेड्यूल है, ठीक है। वैसे मतलब ना अच्छी ना बुरी, पर ठीक ठाक वीडियो हुई है, ठीक है, अच्छा है। अब बस यहाँ पे सारी भीड़ लगा रखी है हमारी टीम ने, और अब चलते हैं घर। पहले जय को फोन कर लेती हूँ कि उनका क्या सीन है, वो रेडी हुए या नहीं हुए, ठीक है। भाई साहब ये लोग निगट डिग्गी खोल के चल रहे हैं, मतलब कैसे लोग हैं। पब्लिक बता रही है अब अपनी डिग्गी बंद कर लो, गाड़ी में बोल रही है हमारी। सच है, पता नहीं किसका गेट ओपन है। हो सकते लाश में आया कौन है? नहीं वो तो महक बताएगी, महक का इतने समझदार लोग हो सकते नहीं। गाड़ी में बैठ के डिग्गी खोल कर चल रहे हैं। कोई मनीषा, अब किसी ने नहीं करा, वो हवा ने कर दिया ना, अपने आप खुल गया वो। चलो अब लोकेशन पे पहुंचते हैं, हमारी दो गाड़ियां ऑलरेडी निकल चुकी हैं। और गाड़ियां हाँ दो गई हैं हमारी, कौन से पार्किंग वो जो कर गई थी, हाँ तो दोनों गई हैं, वहाँ पे चलते हैं फिर शूट शुरू पे जा रही है। आप मेरे व्लॉग में नहीं आए हो ना, मैं आपको लेना चाहती हूँ, फेमस सेलिब्रिटी को अब तक ना लूँ तब तक कैसा लगता है वो। ये एक मेरी गाड़ी है, घो घो ट्रैक्टर चलता है ऐसा लगता है, गाड़ी नहीं है। बेचारी कविता के साथ तुमने कितना गलत किया, वो आप दोनों के पीछे आए व्लॉग में आने के लिए, आपने उसे लिया ही नहीं। मैं दूर हो गई क्योंकि वो वीडियो चला रही थी ना, इसीलिए मैं थोड़ा दूर चली गई। पता नहीं लिपस्टिक लग गई होगी, हाँ ढगो ढगो ये अभी तक आए नहीं, तो ये अब आ रहे हैं इतना लेट, सिंगल गाड़ी को ले लेके, एक ये रही एक पीछे, हमारी गाड़ी उधर लगी हुई है, थ्री थ्री। हाँ वो अकेले आए हैं, सब इस गाड़ी में भर कर आए हैं। हमारी गाड़ी में वैसे ठूस ठूस के भर के आए थे, भूसे की तरह। पर कद्दू तो उधर जा रहे हैं, तो भूसा किधर जा रहा है? हेलो कद्दू, कद्दू किसको बोला कद्दू है, मैं कद्दू जैसी लग रही हूँ, इतनी सुंदर हूँ मैं। वो सिर्फ तुम्हें खुद को पकड़ना है, क्या हुआ लगता मुझे, लिपस्टिक यहाँ कैसे लग गई लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, पीला पपीता पे मैंने ही किया खुद ही, कैसे मुँह पहुँच गया तुम्हारा यहाँ, कैसे यहाँ तुम्हारा मुँह पहुँच गया, लगाते वक्त ही करा होगा क्योंकि उस टाइम रेड बुल भी पी रही थी मैं साथ ही साथ। ठीक है तुम्हारी बात, रेड बुल पी रही थी, रेड बुल से वहाँ से रेड बुल और लिपस्टिक का क्या कनेक्शन है मुझे भी नहीं पता, ये तो छोड़ो ना। पहले मुझे लगा भाई यहाँ कह रहे थे मेरे को याद है मेरा नाखून लगाता तुम्हारे, तुम वो सोच रही थी तुमने मुझे मारा, मारा तो बहुत है इसने पता, थैर थैर थप्पड़ थप्पड़ लगा है, एक भी नहीं है थप्पड़ वो नाखून लग गया, जब तुम कविता का हमेशा ऐसा आएगी तुझे तो मैं बता दूं, थैर थैर ऊपर मार दी, सारे बदले लूंगी मैं भाई, मजाक मेरे हाथ से लगा स्टार्टिंग में एक बार लगा था बस, और जो हमने गिफ्ट वाली गाड़ी को ढक दिया तो तिरपाल लग गया, सब ओडोमॉस लगा रहे हैं, सबको मच्छर काट रहे हैं, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मेरा व्लॉग स्क्रीन मेरा फोन है फोल्डिंग है, कोई बात नहीं, सब ओडोमॉस लगा रहे हैं, मैं नीचे बैठी हूँ, बहुत धूप बहुत गर्मी है, देखो मेरे पास एक और आईफोन मेरा नहीं है, ये किसी और लड़की का है, अच्छा है मेरा कवर भी अच्छा है। चलो करो शुरू करो भाई, किसका वेट कर रहे हो? यहाँ पे ये लोग माइक का डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे पास रॉड के इतने माइक है कि कंफ्यूज होंगे कौन सा माइक सही है कौन सा माइक नहीं सही है,
बेचारे लोग, एक बेचारी महक इतने स्ट्रेस में थी नींद में कि रेड बुल पी पी के अपनी नींद भगा रही है। महक क्या रेड बुल के सारे दिन दूंगा। एक्टिंग स्किल और अच्छी करो, एक्टिंग स्किल और अच्छी करो, रेड बुल पी पी के एनर्जी आ जाएगा। महक अब तो तहलका मचा देगी, बिल्कुल फैला देगी। अच्छा तुम्हें भी चाहिए क्या? नींद आ रही है क्या? ओहो सही, लोग सोते नहीं है रात में। चेक करना एक बार उधर से बोलना, ठीक है? अभी रुक जाओ। कभी नहीं पीते रेड बुल, कभी नहीं पीते भाई, कभी नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। कभी तो तुम कुछ कहना चाहोगे इस रेड बुल वाली लाइन में? मैंने देखा अलमारी के पास कैन पड़ा। ओहो हेलो माइक टेक, माइक टेक नहीं माइक चेक, ठीक है? रूबी की रखी है, सो के उठ मेरी मैं कभी रेड बुल नहीं पीती। हाँ, तुम ऊपर वाली बात कर रही हो, ऊपर वाले रूम में इन्होंने देखा ही नहीं। हाँ हाँ तो है, तुम तो दो दो पी चुके हो। तुम भी चुप करो, तुम मैं नहीं पीती। मैं रेड बुल पीना अच्छी बात होती है, नहीं पीती। देखो मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा ना, इसीलिए मैं शीशे में दिखाती हूँ अपने आप को। ये देखो मेरा गंदा सा शीशा जो कभी साफ नहीं होता, ऐसा लग। तुम्हारी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गंदी है। चुप करो, तुम सब गाड़ी में ही लड़ लो। हमारी एक गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी गई, वो तीसरी गाड़ी है, सब यहाँ गाड़ियाँ हिला रहे हैं। और बस कंटेंट बिल्कुल नया है हमारा, बिल्कुल नया है। नाली में से सिक्का निकालने वाला कभी नहीं बनाया होगा हमने, कभी भी नहीं। बस 200-400 बार, इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते। इतना गहरा डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे, पूछो मत। इतना सीरियस वाला बिल्कुल, सब लोग कह रहे हैं महक तुमने गाना लिखा है, गाना गा रही हो तुम, बेचारे सब लोग महक के पीछे। तो करो ना भाई, तो करते क्यों नहीं हम भी पर। तुम करो ना, मैं तो कब से वो नहीं गाड़ी हटानी, वो नहीं आएगी बाद में। आज में आएगी, पहले हम सिक्के निकाल ले। हाँ निकाल लो, डूबो तो नाली में। तुम नालियों में सिक्के निकालते हो, 10-5 रुपए की ये औकात है तुम्हारी? ओहो नालियाँ भी चेंज हो रही हैं। हाँ इनको मारा, मुझे तो मजा आता है जैके शूट में, बड़ा आराम आराम से शूट होता है। मुझे जैके शूट पे बहुत मजा आता है, इतने मजे मजे से शूट होता है धीरे धीरे। बैठ के ना झुक के निकालना तो और वो लगेगा। अच्छा हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन धूप में पिघल जाओगे ना वैसे। गोरे आ रहे हो तुम, वो ठीक है लेकिन चलो करो। बच गए हैं शाम के 6, महक जाने का टाइम होने वाला है। अब गाड़ी शाम के 6:30 बजे। तुम क्या हाथ हिला रहे हो, तुमको सुपरस्टार हो जाए ऐसे से कर रहे हो? नहीं मैं आपको देख के हाय बोल रहा हूं। हां पहचाना, मेरा कैमरा गंदा है शायद। वो सूती भी नहीं है, तो आप भी हो। मैंने कुछ किसे बोलते हो सूती, पहुंच भी किससे रही हो तुम? क्या क्या अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, मुझे पता है। तो सही सर, रूबी ने ध्यान नहीं दिया सच। नहीं इधर साफ आ रहा है, ये देखो इसका फेस, कोई एक्सरे करा। इधर बहुत धुंधला धुंधला सा आ रहा है। मुझे भी दिखाओ, मैं भी हूँ यहाँ पे। हाँ तुम भी साफ आ रही हो, इस साइड से साफ आ रहा है, ऐसे साफ आएगा। हाँ ये क्लियर आ रहा है, कोई बात नहीं। मेरे साथ कौन होगा इसमें? बंदा बंदी कौन है? आप सब रहो ना, जाओ। अरे दर्जनों बंदे ले जाओ, वीडियो में घूमेंगे हम तो, हो ही घूमेंगे, उसमें क्या है। ठीक है तुम बोलते चुप हो जाओ, बल्कि हाँ चुप हो जाओ, बोलती अच्छा ही नहीं तो चुप ही कराऊंगी ना। हेलो आज तुम बेइज्जती मार रही हो, कल फिर मैं ही काम आऊंगी, ठीक है? मुझे पता है कि आप सभी मुझे ही मिस करते हो, पूरी वीडियो में सिर्फ मुझे ही देखना पसंद करते हो। आई नो वेरी वेल, ये सब तो फोटो है। चलो करते हैं मैकेनिक वाला काम शुरू करते हैं, आज से हम गाड़ियाँ साफ करने और सही करने। अगर किसी की गाड़ी खराब है या उसको मॉडिफिकेशन करानी है, कुछ भी कराना है, अजगर भाई को कांटेक्ट करें, दिल से मॉडिफिकेशन करूंगा, पैसे दिल फाड़ के लूंगा एकदम। दिल फाड़ के पैसे लेगा अगला बंदा। अभी भाई सीख रहा है ना, इन्हें देख लो, एक साल होने को है। माइंड योर ओन बिजनेस, इनको ही देख लो, एक साल होने को अभी तक बाल नहीं कटवाए, इनके पास नाई इसे देखो पैदा हुआ कितने 18-19 साल हो गए, हाइट नहीं बढ़ रही इसकी। नहीं सॉरी, अभी एक मेरे बच्चों को क्या बोलूं ये।